वेलकम यू टू फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं साथ उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम, और विकास भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबका सेकंड जो अश्वा है रमजान का वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो जैसे कि हमने अपनी सहरी की वीडियो में आपसे कहा था कि हम अपने अफतारी और सहरी भी आप लोगों से शेयर करेंगे जो हम अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं। तो आज हम ये वीडियो लेके आए आपके लिए अपने अफतारी जो है अपने पेरेंट्स के साथ। तो लेके आए हैं आपके लिए पूरी फैमिली की अफतारी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जो हालात थे पहले पिछले दो तीन वीक्स में कि पूरी फैमिली इकट्ठी नहीं थी, तो अब भाभियां भी आ गई हैं और आमना भी आ गई है, सारे आ गए हैं। तो अब इंशाल्लाह सारे मिलके अफतारी की स्पेशल चीज ये है कि ये आमना की हमारे घर में ये पहली अफतारी है शादी के बाद। और चलें फिर अब देखते हैं क्या क्या पक रहा है, किचन में जाके देखते हैं क्या क्या पक रहा है। और अनाबिया से भी मिलवाते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे अनाबिया किधर है और जुहेब भाई की वाइफ किधर है, उनसे भी मिलवाते हैं आपको। तो सबसे मिलेंगे इंशाल्लाह आज, तो वीडियो एंड तक देखनी है आपने। चले अभी पहले किचन में चलते हैं क्योंकि यार भूख बहुत लगी हुई है, अफतारी का टाइम होने वाला है। गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई है, पहले अश्वे में तो बिल्कुल ठंडे रोजे गुजर गए, लेकिन दूसरे अश्वे में बहुत स्वेटिंग। तो बस आप किचन में जाके देखते हैं क्या पक रहा है, फिर उसके बाद आपको आशा का सबसे मिलवाते भी है। अब किचन में जाके देखते हैं क्या क्या बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ये जुहेब भाई की वाइफ हैं जो आज लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, तो लोग पूछ रहे थे कि आप लड़के गई हैं तो आप बताएं हमें, आज लोगों को बता दें। कोरोना की वजह से गई हुई थी, घर में सबको कोरोना था, तो इस वजह से भाभी गई जहां था वो वहीं पे रह गया। कोरोना की वजह से नहीं गई थी, ये पहले वैसे ही गई थी अपने घर, बाद में अम्मी अब्बू को कोरोना हो गया, तो जिसकी वजह से उन्हें वहां पर ही स्टे करना पड़ गया। नाबिया को भी वहीं पर रहना पड़ गया। लोग मुझे भी बड़े कमेंट्स कर रहे थे कि वो क्यों चली गई है, नाबिया किधर है आपकी बेटी। तो मैंने कहा चलो ये देखें आज और मसाला ही दे दो लोगों को, थोड़ा मसाला होगा तो खैर थोड़ा मसाला ही दे दें। मसाले कहीं और से लेंगे, इस घर में मसाले नहीं है यार, इस घर में मसाले नहीं है। तो ये क्या बांध रहा है, ये देखें पकोड़े बांध रहे हैं बड़े जबरदस्त किस्म के यार, मुंह में पानी आ गया मेरे, तो रोना लगने लग गया मुझे। ये वो बंदा कह रहा है जो पकोड़े खाता ही नहीं। बात आजकल जो है ना, मैं डाइट भी थोड़ी सही करनी है क्योंकि यहाँ पे खाना पीना जो है ना वो बड़ा सही रखना पड़ेगा, अगर इफ्तारी सहरी रखनी है तो, अगर रोजे रखने हैं तो ऐसे ही ना हो। तो ये मेरे ख्याल से कोई पुलाव बन रहा है, और ये मेरे ख्याल से आमना के लिए बन रहा है, ये आमना ने खाने हैं। आमना भी बस आ रही है ऊपर, आम तैयार हो रही है आमना। तो ये देखें पकौड़े, और ये हैं समोसे भाभी के हाथ में, क्या करें जरा। शीट्स आप बाजार से लेके आते हैं, शीट्स भी खुद बनाते हैं? मैंने शीट्स बाजार से लाते हैं, बाजार से लाते हैं, इसीलिए वो सही बन जाती है। आमना तो शीट्स भी खुद ही बनाती है, आमना शीट्स भी खुद बनाती है, और भाभी भी खुद बनाती हैं, यू कुकिंग भी दुआ वाली, वो भी शीट्स खुद बनाती हैं। तो चले आप जो है ना आपको नाबिया से मिलवाते हैं। नाबिया हाई फाइव कर दे, ये देखिए नाबिया भी आ गया है। ए अब्दुलरहमान की बर्थडे आज, अब्दुलरहमान की बर्थडे आज, रात को अफतारी के बाद इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे। वो भी गिफ्ट भी लेंगे, वो गिफ्ट को नहीं मिल रहे हैं, गिफ्ट है ही नहीं है, सब कुछ बंद है। यान का रोजा लग रहा है यान, यान का रोजा लग रहा है, की चीजें भी होंगी काके की, हाँ गिफ्ट भी होंगे। हाँ। क्या लेना है गिफ्ट? वो गोलिंग, वो गोलिंग गेम, गेम? वो जो हाँ, वो भी लेंगे, और आईपैड की, बस इतना सा काम। तो नाबिया क्या कर रहा है? नाबिया हेलो कर दे। नाबिया भला हो गया है, अमना भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। तो देख रहे हैं अमना भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह घर में आ चुकी है, क्योंकि आपने वीडियो देख ही ली होगी आपने। तो अमना भी तो देखें आप अफतारी करेंगे, हम सारी फैमिली इंशाल्लाह मिलके, अभी अम्मी अबू से मिलवाते हैं आपको, वो भी आते हैं अभी। बड़ी मसाले वाली वीडियो है ये, अफतारी बस होने वाली है, तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 मिनट रह गए हैं, हमने
अन्ना भी लड़के गई थी हमारे क्या लड़ाई नहीं होती यार, मसला ही सबसे बड़ा ही है, लड़ाई नहीं होती है। लेकिन मैं प्रैंक करूंगा लाजमी, लड़ाई वाली ना कोई प्रैंक करूंगा इधर। काका मेरा आया हुआ है, देख रहा मुझे, ये देख रहा, ये मेरा काका है, ये भी पारा काका है मेरा। पारी खाते मुझे, पारी तो करता ही नहीं, पारी नहीं खाता। हाँ अभी अभी दोस्ती भी हुई, अभी तो बड़े से बाहर आई है, देख अच्छा 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 भाई दोस्ती हो जाएगी अभी एक दो दिन तक। चले फिर देखते हैं किचन में क्या क्या मसला है, अभी अम्मा को दिखाते हैं, मास्टर शेफ देखेगी कि क्या क्या सही बना है कि नहीं। अम्मा बताएगी, चेक करें पकौड़े यार जबरदस्त, सारी भाभी फ्राई कर रही है, सारी भाभी पका रही है। अब देखिए समोसे पक गए, ये देखिए समोसे भी हो गए हैं, समोसे तारी हम सब ने कर लिया है, तो अब हम जा रहे हैं काके का केक लेने हैं। अब्दुलरहमान केक लेने जा रहे हैं, बर्थडे है इसकी, बर्थडे आज, तो सारे इसको हैप्पी बर्थडे लिखना लाजमी, ठीक है? ठीक है काके, भाई काके को बर्थडे का विश करें, बर्थडे का विश करें काके। मास्क पहने हुए हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा सख्ती आज सख्ती है, तो मास्क के बगैर नहीं निकलने देते। तो काके कौन सा काका जोन सा केक कहेगा ना काके को वही केक लेके देना, ठीक है? कौन सा केक चाहिए? अभी तो मुझे कहा था कि ब्लैक में मेरा नाम लिखा हो, तो मैं देख के पसंद करूंगा, चॉकलेट से मेरा नाम लिखवाना। कौन ये कदम मिल जाए, व्हाइट चॉकलेट से लिखवाना है, ब्लैक चॉकलेट से, ब्राउन चॉकलेट से, कौन सी चॉकलेट से लिखवाना है? ये की चॉकलेट होती है ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट भी होती है, पता ही नहीं है यहाँ तो, व्हाइट क्रीम होती है, चॉकलेट भी होती है यार, आप वो कितनी दौर खिलाई आप फिर भूल जाते। अच्छा लाहौर की आबादी कितनी है? एक करोड़ साठ लाख मुझे लगता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सोने की काने किधर है? जोहान्सबर्ग। देखो मैंने इसको ट्रेन किया हुआ है जियोग्राफिक में, इसको बड़े बड़े सवाल खुद पता है, आधा मैच भी नहीं पता। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। ये देख मैंने बताया था तुझे, ओ भाई ये पिछले साल इन्होंने वहाँ पर पानी की कमी थी तो वहाँ पर काफी ऊंट मार भी दिए, 20,000 ऊंट इन्होंने मार दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। तो मैं नहीं, ये मैं इसके साथ क्विज करता रहता हूँ घर में, भारत बैठे हुए ना, तो इसको मैं बताता रहता हूँ कि हिस्ट्री क्या है दुनिया की, ये वो। तो काका जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा आईलैंड कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा आईलैंड है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से कितना बड़ा है? ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से कितना बड़ा है ये तो वो एक अलग बात है, पाकिस्तान छोटा है, तीन गुना बड़ा है, लेकिन आबादी में ऑस्ट्रेलिया बहुत से भी कम है। तो चले फिर छोड़ो इन बातों को, केक लेने चलते हैं, देखते हैं कौन सा केक चाहिए। ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, पता नहीं कितनी ट्रैफिक बहुत है। तो काका केक पसंद करेगा तो केक लेते हैं। तो कितना टाइम हो गया? 8:30 बज गए,
एक गाड़ी पे टाइम तो लगाओ। केक हम लेंगे किचन कुजीन से। किचन कुजीन से डिमांड है भाई, केक के सामने गिफ्ट भी लेना, गिफ्ट भी लेना है। और गिफ्ट मैं काके से वादा कर लिया है, काके को मैं पैसे दे दूंगा तो सुबह वो उठेगा तो हम गिफ्ट लेने जाएंगे उसके लिए कि हमने गिफ्ट किया हुआ। ठीक है, ठीक है ना? कौन सा गिफ्ट है? मुझे उस दिन दिखा रहा था कल कि मैंने ये लेना है, वही वाला गिफ्ट लेना है। हाँ, वही गिफ्ट लेके दे। एक मुझे गिफ्ट ले दो और एक मेरा आईपैड सही करो। आईपैड सही करवा दो। आईपैड तो फ्री में सही हो जाएगा। हाँ, फ्री में ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे। मैं तो कर रही हूँ यार, भी ठीक करते हैं। वो मेरा आईपैड किसने तोड़ा था पता है आपको? काके ने। वो स्क्रीन काके ने तोड़ा था। तो बस आप जाते हैं किचन कुजीन में और देखते हैं वहाँ पे कौन सा केक पसंद आता है काके को। किचन कुजीन क्या? किचन कुजीन तो बंद नजर आ रहा है मुझे, ये तो बंद है, ये कहीं जल्दी तो नहीं बंद हो जाते अब? नहीं यार, बेकरी तो नहीं बंद होती। ये क्या हो गया? कहीं और से लेना पड़ना है। चलो दूसरी बैग से ले लेते हैं। तो काके कहाँ से लेना है फिर केक? यार वो किचन कुजीन तो बंद है यार, केक से ले ले। लॉकडाउन है लाहौर में जी, मुझे लग रहा है कि ये देखो ना, ये केक एंड बेक्स बंद। तो मेरे यहाँ से क्या टाइम क्या हुआ? 9 बजे ना, 9:30। हाँ 9:33 हुए है लाहौर में, लॉकडाउन लग गया है। फिर इसका मतलब है सारी बेकरी बंद होंगी। यार ये भी बंद है, ये हमने देखी नहीं, हम इधर से आ रहे थे। अच्छा ये बंद है, उसका मुंह बन गया। नहीं यार, नहीं होता उसका मुंह बन गया। कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ काके? अब्दुल इधर देखो ना, इधर दे ना, इधर देखो, इधर दे। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है यार बाबा? कल ले लेंगे, कल सुबह, कल सुबह पहले आते रहा केक लूंगा मैं, लेके आऊंगा आपका केक ना, कल सुबह ले लेंगे केक। वो नाराज हो गया? नहीं नहीं नाराज नहीं। अब हमारी गलती थोड़ी है, सब कुछ बंद है अब। अच्छा ये सिर्फ ना मेडिकल स्टोर खुले हैं, बाकी सब कुछ बंद है। सिर्फ मेडिकल स्टोर जो है और खाने पीना खुला हुआ है, वो भी मेरे रेस्टोरेंट वगैरह खुले हैं, बाकी सब कुछ बंद है। स्टोर भी बंद कर दिए काके, रोने लग गया वो। नहीं 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 रोएगा, अच्छा बच्चा है, मुझे पता है। केक कल काट लेंगे यार, चल कल ले आएंगे केक। ठीक है, हम कल लेके आएंगे बड़ा वाला केक लेके। ठीक है, एक दिन लेट होगी लेकिन होगी जरूर बर्थडे काके की। ठीक है, ये फ्रेश इन भी बंद है, ये देखो ना सारी, ये स्टोर भी बंद कर दी है, मतलब स्टोर बंद नहीं होती। ठीक है काके, कल फिर, कल करें फिर। वैसे तो कह भी रहे हैं 2 या 3 तारीख को मुकम्मल लॉकडाउन हो जाना लाहौर में। चलो जी काका मान गया, ठीक है कल कर लेंगे। ठीक है, एक दुकान खुली हुई है। कौन सी वाली? उसे केक नहीं मिलता। वो केक नहीं है ना, वो बैंक है। वो बैंक को कह रहा है दुकान खुली हुई है। कल आप भी करेंगे बर्थडे? ठीक है, कल कर ले बर्थडे फिर। आपका गिफ्ट और केक जो है ना, कल सुबह आपके उठने से पहले मैं लेके आऊंगा। आइसक्रीम, आइसक्रीम भी बांधा है। आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम तो वैसे नहीं खानी, आइसक्रीम तो वैसे आज गला खराब है। अभी आज घर जाते हैं, मैं देखता हूँ काके को मैं क्या चीज खिलाऊं कि काका मान जाए। तो चलें फिर इसी के साथ ही वीडियो करते हैं इख्तिताम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो घर में सेफ रहें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐलान हो रहे हैं, काफी ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं, तो आप कोशिश करें घर में रहें। SOPs का ख्याल रखें, अगर बाहर कहीं जाना भी है, अगर बाहर जाना है तो प्रॉपर तरीके। अब मुझे पता नहीं था कि इतना वो लॉकडाउन हो गया है, तो मैंने बाहर नहीं लेके आना था किसी को, मैंने खेले ही जाना था, लेकिन चले अब पता चल गया। अब घर जाके नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं हमने क्या करना है। ये तो हमने वैसे ही छोटे को कहा कि चलो केक पसंद केक, कर लेगा। उसको हम लेके आए थे अंदर, इसने अकेले नहीं जाना था हमारे साथ, यान ने तो गाड़ी में बैठना था, यान नाबिया ने। तो चले फिर दुआओं में याद रखियेगा। अल्लाह हाफिज, हाफिज कर दो सारे, हाफिज कर दो, हाफिज कर दे, बाय बाय कर दे, बाय बाय कर दे, बाय बाय कर दे।